हेलो फ्रेंड, मैं जिया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में। और दोस्तों, आज के इस क्विक सेशन के अंदर फटाफट हम तीन कॉइन्स के ऊपर चर्चा करेंगे, जैसे कि बिटकॉइन के ऊपर, इथेरियम के ऊपर, और तीसरा कॉइन जो मैंने कहा था कि आप लोग जो कमेंट करोगे उसमें से जो मेजोरिटी ऑफ द लोग चाहेंगे उसको हम पिक कर लेंगे। तो लगभग बहुत सारे लोगों के रिक्वेस्ट लाइट कॉइन के ऊपर भी है, क्योंकि लाइट कॉइन जो है अच्छा खासा एक ऊपर चल रहा है। क्या ये अब आगे और जा सकता है कि नहीं जा सकता, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे इसके अंदर। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं BTC, इसके अंदर हमें क्या करना चाहिए। BTC की राइट नाउ जो प्राइस चल रही है वो 55,800 के आसपास चल रही है। ओके, तो इसके अंदर अभी हमें क्या करना चाहिए। देखिए, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों के साथ क्लियर कट एक डिस्कशन ये किया था रिगार्डिंग BTC की जो डोमिनेंस है। ओके, और यहाँ पे जो जो चार्ट देख रहे हो इसके अंदर ये जो कैंडल बार्स हैं, ओके, दिस इज नथिंग बट BTC डोमिनेंस जो ब्लैक में है, और जो ऑरेंज में है वो प्राइस है। तो लास्ट टाइम जो BTC की जो डोमिनेंस नीचे गई थी वो 35 के आसपास गई थी, और उसके बाद से इसकी डोमिनेंस ऊपर आई और धीरे 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 फिर इसके अंदर बाइंग वगैरह स्टार्ट हुई। मेन चीज़ यहाँ पे ये है कि BTC की जो डोमिनेंस है वो 44 के आसपास आ गई है। देखिए, यहाँ पे मैं आपसे ये कहूँगा कि BTC का जो डोमिनेंस है वो अपने लो को तोड़ेगा, यानी इसका लो का जो डोमिनेंस है 35 है, इससे नीचे भी इसका डोमिनेंस यहाँ तक जाएगा। 35% से नीचे जाने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और जब ये यहाँ तक जाएगा उस दौरान ऑल्ट्स अच्छा खासा पैसा कमा के देंगे, इथेरियम जो है वो अच्छा खासा पैसा कमा के देंगे, क्योंकि BTC भी अपना एक यू टर्न मारेगा। तो जब इसकी डोमिनेंस यहाँ पे आएगी, नो मैटर यहाँ पे क्या प्राइस चल रहा है उसका, अगर उसका प्राइस 42 के आसपास आ गया, 43 के आसपास आ गया, या 50 के आसपास है, जो भी है, एट दैट टाइम मैं आपको ये कहूँगा कि आप उसको एक्यूमुलेट करना, बाय कर लेना बेस्ड ऑन द डोमिनेंस। हम यहाँ पे सीधा डोमिनेंस को देखेंगे। डोमिनेंस जब एक नीचे आती है, ये अपने एक सपोर्ट के आसपास आती है, यहाँ से जैसे छोटा मोटा एक बाउंस बैक होता है, हम यहाँ से BTC को बाय करेंगे। अभी एग्जैक्टली क्या हो सकता है, क्योंकि अभी आप में से बहुत सारे लोग के सवाल ये थे कि भाई हमको फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करनी है, फटाफट उसका बता दो क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम एक क्विक स्कैल्पिंग पकड़ते हैं, शॉर्ट टर्म पकड़ते हैं, क्या कर सकते हैं। पहले भी जो एक एसेंडिंग करेक्शन था उसको तोड़ के प्राइस नीचे आया, उसके बाद से प्राइस जो है यहाँ से यहाँ मूव कर रहा था। जैसे कि हम कहते हैं कि एक इम्पल्सिव वेव आता है, उसके बाद से एक करेक्शन वेव होता है। करेक्शन वेव इज नथिंग बट ए, बी और सी। ओके, तो यहाँ पे ये इम्पल्सिव वेव इस हिसाब से गया, ये करेक्शन वेव का पहला ए यहाँ पे आया, बी यहाँ पे आया, अब सी की बारी है। ओके, और हमने यहाँ पे क्या किया, जो लोअर हायर लोस थे वहाँ पे एक लाइन हमने खींची कि भाई इसको पकड़ के चल रहा है। अब जब इसको तोड़ दिया, यानी कि यहाँ पे ये जो कैंडल है आप देखो इस लाइन से नीचे, और ये अभी एक डॉजी कैंडल है 12 आवर के चार्ट पे। अब अगर ये जो कैंडल है 57,500 के अगर ऊपर चलता है, तब आप थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाना कि हाँ चलो लॉन्ग वगैरह हम कर सकते हैं। स्टिल बहुत बार रिजेक्शन मिल चुका है 59,000 के जोन पे BTC को, और मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो है अभी इसके अंदर इतना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा नहीं रहे। क्यों नहीं दिखा रहे, क्योंकि भैया डॉज कॉइन आ गया है, शिबा कॉइन आ गया है, देन बोन कॉइन, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। ओके, तो सबकी नज़र उसमें ये, भाई सबको क्विक प्रॉफिट चाहिए। ओके, कल किसी ने देखा है कि भाई कल क्या होगा क्या नहीं होगा, आज क्या हो रहा है, आज कहाँ से प्रॉफिट मिल रहा है, चलो पैसा ला के उसमें डालो। ठीक है, पैनकेक के ऊपर सब कुछ लिस्ट हो रहा है, यहाँ वो लिस्ट हो रहा है, वहाँ लिस्ट हो रहा है, तो सारा जो पैसा है वहाँ जा रहा है। डेट्स वाई BTC के अंदर पैसा कम आ रहा है। ठीक है, तो चीज़ें इतनी आ गई हैं, इतनी सारी प्रोडक्ट्स आ गई हैं, सर्विसेज आ गई हैं, कि लोगों के पैसे पूरे डाइवर्सिफाई हो गए हैं उसके अंदर। ओके, तो ये एक तो मेन कारण है कि BTC का प्राइस पंप नहीं हो रहा है। ओके, तो यहाँ से अगर ये कैंडल नीचे रहता है, और वापस से मैं आपको कहूँ कि अगर सपोज कीजिए BTC का प्राइस 54 से नीचे आ जाता है, और 52-53 एक सपोर्ट होता है, तब यहाँ से हम एक शॉर्ट पकड़ सकते हैं। ठीक है, इसका हम टारगेट पकड़ सकते हैं लमसम 42,500 के आसपास पकड़ सकते हैं। क्यों पकड़ सकते हैं, क्योंकि वो फिबोनाची का एक नीचे वाला लेवल है, 61.8 है। तो यहाँ पे आके ये वापस से एक बाउंस ले सकता है ऊपर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक जो सी वेव है करेक्शन का, ए हो गया, बी हो गया, सी है, इसका इंतजार कर रहा हूँ कि यहाँ तक आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे वापस से BTC का। पहले मैंने 12 आवर का चार्ट दिखाया था, अब यहाँ पे हम देखते हैं 4 आवर का चार्ट देखते हैं। तो ये भी एक थोड़ी सी एक बेरिश साइन है जो हमें एक आइडिया देती है कि ठीक है, इससे नेक्स्ट टारगेट हम पकड़ सकते हैं 52,600 का पकड़ सकते हैं, जो पहले का जो सपोर्ट था उस हिसाब से, और उसके बाद जो दूसरा सपोर्ट है
वो हम 50,000 के आसपास पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से भी थोड़ा सा एक चीज़ें बेरिश हैं। अगर ठीक है वापस से प्राइस जो है इस ट्रायंगल के ऊपर आता है, यानी कि 57 के ऊपर आता है, तब हम सोच सकते हैं ठीक है थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर जा सकता है। वापस से 59-60 के आसपास मैं बोलूँगा, अगर आप वहाँ से लॉन्ग कर रहे हैं तो निकल सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल ब्रॉड टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं तो थोड़ा सा चीज़ बेरिश लग रहा है कि हाँ प्राइस यहाँ से नीचे जा सकता है। ठीक है, अब इथेरियम में हमने क्या देखा है, अगर ये मैं चार्ट को थोड़ा सा छोटा करता हूँ कि इन शॉर्ट बता देता हूँ आपको कि जब भी हमने एक पीक देखा है इथेरियम का, अगर यहाँ से आया है, यहाँ से पीक ऊपर गया है, तो वहाँ से इसमें जो करेक्शन आई है मिनिमम 19% के आसपास आई है, या उसके बाद 32% का दिया है। मतलब कि क्या है कि जब भी एक अच्छी खासी रैली चलती है, लंबी चलती है बिना किसी एक ब्रेक के, तो उसमें से थोड़ा बहुत सेल ऑफ होता है, करेक्शन होता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे देखते हैं, एक लंबी रैली चली, उसके बाद से करेक्शन हुआ यहाँ तक कि ये 19 या 30% के आसपास है। फिर एक रैली चली तो यहाँ पे भी आया, ये भी 28% के आसपास है। फिर रैली चली, फिर यहाँ पे भी 30% का है। तो इस हिसाब से लमसम ऑन एवरेज 19 से 30% का हम देखते हैं यहाँ पे। अब इन शॉर्ट यहाँ पे फटाफट चलते हैं कि अभी एग्जैक्टली क्या हो रहा है। अभी इसकी प्राइस अच्छी खासी चल रही है, 4050 के आसपास चल रहा है, और ऊपर इसने बनाया था 4200 के आसपास बनाया था। ओके, अब यहाँ पे जो है हमने ये जो करेक्शन देखी यहाँ से टॉप से लमसम 13% के आसपास देखा है, बट हमको चाहिए था कम से कम 18% के आसपास चाहिए था। और अगर यहाँ से 30% के आसपास जाता है तो यहाँ पे आता है, तो इस लेवल पे आता है, यानी कि 3400 के आसपास। और अगर इस लेवल तक आता है तो 2600 के आसपास। तो यहाँ तक अगर आएगा, डैट मीन्स कुछ एक मेजर अगर करेक्शन आता है, BTC वगैरह नीचे आता है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं। अदरवाइज इथेरियम जो है वो काफ़ी स्ट्रांग चल रहा है, और सपोज कीजिए यहाँ से नहीं आता है और प्राइस वापस से 4100 या 4200 के अगर ऊपर चलता है, तो आप आराम से इसका टारगेट 4500 के आसपास पकड़ सकते हैं। और आने वाले टाइम के अंदर मैं आपको बता दूं कि मई एंड या जून के आसपास भी हम इसकी प्राइस को कम से कम 7000 के आसपास देख सकते हैं इथेरियम को। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रांग है, और इसकी जो अपडेट आने वाली है EIP 1559 वाली, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उस अपडेट के अंदर क्या होगा कि इनका जो मेन वर्क है, डेट इज़ ऑन द ट्रांजेक्शन फीस को किस हिसाब से कम किया जाए। ठीक है, तो वो एक बहुत मेजर अपडेट होगा, और उसके बाद से इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त एक रैली भूचाल आ सकता है इथेरियम के अंदर। ओके, तो इथेरियम जो है अभी इतना ज़्यादा BTC को पकड़ के नहीं चल रहा है। अब एक बार मैं चार्ट आपको दिखाता हूँ इथेरियम का। ओके, अब इथेरियम देखो, ये जो ऊपर वाली रेड लाइन है और नीचे वाली जो ब्लू लाइन है, इसके बीच में इसकी प्राइस ऊपर नीचे चल रही है अच्छी खासी। ओके, इससे बाहर नहीं निकल रही है। ओके, और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप एक लॉन्ग कर रहे हो इथेरियम के अंदर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जस्ट एक बॉटम पे टच हुआ है, इसमें बड़ा करता हूँ इस हिसाब से। ठीक है, यहाँ बॉटम पे टच हुआ है, वापस से बाउंस बैक करके ऊपर आ रहा है, तो ऊपर आ रहा है, तो हमने यहाँ पे एक लॉन्ग पोजिशन रखी है विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अराउंड, आप कह सकते हो कि 3700 के आसपास स्टॉप लॉस हमने यहाँ पे रखा है, कि अगर इसको तोड़ के एक वीक नीचे आता है तो हमने यहाँ रखा है, और यहाँ से एक लॉन्ग रखा है, और इसका हम टारगेट पकड़ते कम से कम यहाँ पे 4300 के आसपास पकड़ते हैं। और अगर इसको तोड़ता है तो हम इसका नेक्स्ट टारगेट पकड़ेंगे 61.8 के आसपास, जो लमसम 5000 के आसपास है। ओके, तो ये वापस है इस जोन के अंदर अगर घूमता रहा तो बहुत जल्दी जो है हम अच्छा खासा इसके अंदर एक टारगेट देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों सिनेरियोस बता दिए, अगर अभी आप लॉन्ग कर रहे हो तो आपको क्या करना है, और अगर आप थोड़ा सा इंतज़ार करते हो अच्छी खासी एंट्री के लिए, सेफर एंट्री के लिए फॉर ए लॉन्ग, तो मैं कहूँगा कि आप वेट करना इसका ब्रेक होने का, क्योंकि अगर इसको ब्रेक नहीं करता है और यहाँ से वापस से नीचे आता है, तो हो सकता है कि प्राइस वापस से नीचे आए और इस चैनल के अंदर अप डाउन करके घूमेगा। और अगर इनकेस अगर प्राइस नीचे आता है, 18% आता है या 30% आता है, तो आपके लिए 3400-3500 या कह सकते हैं कि 2600 के आसपास एक बेहतर एंट्री गिनाई है। ठीक है, तो ये है इथेरियम के ऊपर। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइटकॉइन की, बात करते हैं कि इसके अंदर हमें क्या करना है। और लाइटकॉइन में हम लोग बहुत पहले से बात कर रहे थे कि भाई ये कब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट लेगा, कब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट लेगा। ओके, और वन डे का चार्ट है, और बहुत सिंपल सा ही चार्ट है, एक पैरेलल चैनल जो है ऊपर की तरफ चल रहा है और प्राइस इसके अंदर मूव कर रहा है, इट्स दैट सिंपल। अब इस सिंपल पैटर्न के अंदर एक और सिंपलिसिटी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ फिबोनाची यूज़ कर रहा हूँ। ओके, और फिबोनाची को मैं यहाँ से पकड़ता हूँ और ये बॉटम पे लाता हूँ। मुझे दो लेवल्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताता है, पहले तो 1.618 क्या है, उसके बाद 78.6 का बताता है। ये दो पे मैं फोकस कर रहा हूँ। सपोज करो मैंने यहाँ से यहाँ तक ये ड्रॉ किया। ओके, उसके बाद जब भी प्राइस 78.6 को ब्रेक करता है तो हम इसे लॉन्ग कर सकते हैं फॉर ए टारगेट ऑफ 1.618 के लिए।
उसी तरह मैंने यहाँ से यहाँ ड्रॉ किया और प्राइस ने जब 78.6 को तोड़ा, हमने टारगेट पकड़ा 1.618। उसी तरह वापस से मैंने यहाँ से यहाँ किया और जैसे ही नेक्स्ट प्राइस ऊपर गया 78.6 को तोड़ा, हमने टारगेट ये पकड़ा। ओके अब उसी तरह मैंने वापस से यहाँ से लिया है और यहाँ तक बॉटम पे लगाया है। और अभी देखो यहाँ पे मैं बड़ा करता हूँ, अभी हमें क्या करना है, अभी जो कैंडल है ये ऊपर गया है लाइन, ठीक है ऊपर गया मतलब कि प्राइस अब वापस से ऐसे ऐसे नीचे आएगा और फिर वापस से जब यहाँ से तोड़ेगा तो हम इसको एक 78.6 से जब ऊपर आता है तो हम इसे लॉन्ग कर सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पे वेट करेंगे और फिर यहाँ से लॉन्ग कर सकते हैं। अभी ये जो कैंडल है ये 78.6 से नीचे चल रहा है, आपको लॉन्ग तब करना है जब ये कैंडल इससे ऊपर हो, इससे ऊपर होगा यानी कि 374 से जब अगर प्राइस ऊपर होता है देन यू शुड गो फॉर ए लॉन्ग फॉर ए टारगेट ऑफ, मैं कह सकता हूँ 504 के आसपास आप इसका टारगेट पकड़ सकते हैं या लगभग उससे थोड़ा करीब पकड़ सकते हैं, 490 के आसपास पकड़ सकते हैं। ठीक है तो ये है लाइट कॉइन का, आई होप आपको पूरा आइडिया मिल गया होगा क्या करना है। लास्ट वाला वापस से बता देता हूँ, प्राइस कैंडल यहाँ पे है, अगर प्राइस 374 से ऊपर आता है तो लॉन्ग करना 500 के आसपास का टारगेट, अगर इससे ऊपर नहीं आता है कैंडल नीचे नीचे आता है तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कि कब यहाँ से नीचे से एक बाउंस बैक हमें मिलता है। जैसे कि हमने पहले भी देखा कि एकदम नीचे तक नहीं आया, उससे थोड़ा सा नीचे आया है फिर बाउंस बैक हो गया है। तो अगर यहाँ से प्राइस आता है पूरा नीचे नहीं जाता है तो प्रीवियस जो 78.6 है ये जो लाइन है मैं ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से एक बाउंस बैक मिल सकता है यानी कि 300 320 के आसपास से अगर वापस से बाउंस बैक मिलता है देन यू शुड गो फॉर ए लॉन्ग। ओके तो ये हमने कंप्लीट किया BTC के बारे में, इथेरियम के बारे में, लाइट कॉइन के बारे में। ओके तो आई होप ये सारी एनालिसिस आपको पसंद आई होगी, आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा कि आप BTC में क्या करना है, इथेरियम में क्या करना है, लाइट कॉइन में क्या करना है। स्ट्रॉन्ग कॉइन्स हैं और स्ट्रॉन्ग कॉइन्स पे ट्रेड करने का मज़ा अलग ही होता है कि जब इनकी रैली चलती है तो बहुत अच्छी खासी चलती है। और इसके अलावा मैंने ऑल्ट्स भी आप लोगों के साथ शेयर किए हैं तो उनके ऊपर भी थोड़ी बहुत नज़र रखना। ठीक है तो सेशन को यहीं पे कंप्लीट करता हूँ, अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर ठोक देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, इसके बाद और इंपॉर्टेंट वीडियोज आएंगे। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।